अभिजीत केलकर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि स्प्रे परफ्यूम्स क्या होते हैं, उनके घटक तत्व क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, इंडिविजुअल उनका रोल क्या है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो आज मुझे लगता है कि उसका एक प्रात्यक्षिक भी देख लें। तो मैं आज एक डेमो वर्जन करेंगे और उसको लाइव बना के देखेंगे कि ये कैसे क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे यहाँ पे वेइंग स्केल ली हुई है, ये हमारा परफ्यूमरी सॉल्वेंट है और हम लोग फ्रेग्रेंस यूज करेंगे नार्सिसो रोड्रिगेस फॉर हर, वन ऑफ दी वेरी फेमस परफ्यूम ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे प्रियंका या दीपिका या कैटरीना का। तो आई थिंक ये आपको भी अच्छा ही लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो परफ्यूमरी सॉल्वेंट है, इट्स अ रेडी हम लोगों ने करके रखा हुआ है। इसमें एक तो ये डी नेचर्ड इथाइल अल्कोहल है। अब ये क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले सॉल्वेंट वाले चैप्टर में इसके लिए बात की हुई है। तो ये 96% प्योरिटी का है, ये लिया हुआ है डीएम वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिसको मैं संबोधित करता हूं सेकेंडरी सॉल्वेंट के हिसाब से। तो मैंने साधारण 4% ये यूज किया हुआ है डीएम वाटर। उसके बाद जो आपका डीपीजी है डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 8% के हिसाब से लिया हुआ है। आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं और भी कम कर सकते हैं, लेकिन डीएम वाटर जो है उसका परसेंट 3 या 4 रहे तो ही ज्यादा बेहतर है। उससे ज्यादा में थोड़ा इश्यू आ सकता है कि आपके फ्रेग्रेंस सेपरेट हो रहे हैं या ऑयल मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहा है। और उसके अलावा फिर मैंने इसमें बीएचटी 0.1% डाला हुआ है, जो मैंने आपको प्रिजर्वेटिव के वीडियो में समझाया था कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो एक काम करते हैं कि ये नार्सिसो रोड्रिगेस और हम एक फॉर एग्जांपल रुक जा, हम लोग एक ईडीपी बना लेते हैं 15% के हिसाब से। तो ये हमारी 30 ml की स्प्रे बॉटल है, तो इसमें 4.5% हम लोग इसको सॉरी 4.5 ग्राम हम फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको कि इस चीज का आप ख्याल रखिए कि हर इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस का प्रोजेक्शन, लास्टिंग, लॉन्जिविटी अलग है। और इसमें आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे 15% में मजा नहीं आ रहा है, तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप उसे कम कर सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस हो सकता है कि आप 20% यूज करना चाहें, दूसरा हो सकता है आप 8% पे ही आ जाएं। देयर इज नथिंग रॉन्ग। जैसे जितनी लास्टिंग आपको चाहिए है, जितनी लॉन्जिविटी आपको चाहिए है, उस हिसाब से आप उसका उपयोग करें। उसमें बिल्कुल भी बुकिश ऐसे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने बताया कि आपको इसमें सब मिला के रखा हुआ है हम लोगों ने परफ्यूमरी सॉल्वेंट में, अल्कोहल है, डीएम वाटर है, डीपीजी है और बीएचटी है। तो अब इसको इससे 30 ml हम लोग कर लेते हैं। यूजली मैंने देखा है कि परफ्यूम क्लास काफी लोग करते हैं या काफी इस तरीके की ऑनलाइन क्लासेस ऐसे उपलब्ध है, और वहां पे केवल ये बता दिया जाता है कि ये आपने मिक्स कर लिया, बॉटल में डाल दो, मिला लो, हो गया। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें ये जो छोटी छोटी बारकाइयां हैं, अगर इसको आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका परफॉर्मेंस जो है प्रोडक्ट का वो और बेहतर हो जाएगा। क्या कर सकते हैं कि जैसे आप देखिए, तो मैंने यहाँ पे एक ये मैग्नेटिक स्टरर रखा हुआ है। तो ये एक मैग्नेटिक स्टरर है, इसको ले लिया
और आपका जो ये मिक्सचर है जिसमें आपका सॉल्वेंट और आपका फ्रेग्रेंस, आपका प्रिजर्वेटिव सब पड़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। और चाहे तो इसी में बना लेते तो वो ज़्यादा इजी पड़ता। और ये मैग्नेट है, ये अब आप जब डालेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाए तो ये देखिए ये ऐसे मिक्सिंग हो रहा है अभी। मिक्सिंग होते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि लोग क्या करते हैं कि केवल बॉटल में डायरेक्टली डाल लिया, हिला लिया, दे दिया। जैसे मैंने कहा कि उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे इनका आपस में जुड़ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको इस तरीके से मिक्स करते हैं कम से कम 2-4 घंटे, और उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आरपीएम जो है वो ऐसे हो कि इसका टेम्परेचर ना बढ़े और ये क्लोज रहे। इसको आप झट ढक के रख सकते हैं किसी चीज़ से। मेरे पास अभी कुछ है नहीं आपको दिखाने के, लेकिन आप समझ लीजिए। तो मैंने इसको ढका हुआ है, इसका जो टेम्परेचर है वो मैं मुझे नहीं बढ़ने देना है। तो चाहे तो एसी हो या फिर इसको हम आरपीएम उसका कम करें, लेकिन इसको स्लो स्पीड पे कम से कम 2-4 घंटे ये मिक्स होने दें। तब जाकर के ये मॉलिक्यूलर लेवल पे एकदम आपस में अच्छी तरीके से मिलेंगे। ये होने के बाद में फिर क्या कर सकते हैं कि आपको इसको वैसे तो ये अब रेडी हो गया, लेकिन इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हम थोड़े दिनों के लिए मैच्योरिटी के लिए रखेंगे। तो इस या तो डायरेक्टली आप बॉटल में भर लें, या फिर आपका अगर दूसरा कोई कंटेनर हो जिसमें भर करके अगर आप उसे कम टेम्परेचर वाली जगह पे फ्रिज में या ऐसे कहीं पर अगर रख सकते हो आप 7-8 दिन के लिए। और कोशिश कीजिए कि वो प्लास्टिक ना हो, क्योंकि कितना भी अच्छा से अच्छा प्लास्टिक हो तो जो केमिकल्स रहते हैं फ्रेग्रेंस में या फिर जो आपका सॉल्वेंट रहता है, चांसेस रहते हैं कि वो उसके साथ में रिएक्शन करेंगे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपके प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा और पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। तो अगर संभव है तो इनर्ट सरफेस है जो आपकी, जैसे सेरेमिक की बॉटल्स है या ग्लास बॉटल है, ऐसे बॉटल में आप इसको स्टोर करके कम से कम नहीं तो 1-7-8 दिन के लिए रख दीजिए। और उसके बाद फिर आप इसको निकाल करके बॉटल में पैक करके लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका नार्सिसो रोड्रिगेज फॉर हर रेडी। तो अगर आप भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह महकना चाहते हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ये फेमिनाइन फ्रेग्रेंस है तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं अभी, बट वाह दिस इज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या क्या किया था, एक जस्ट रिकैप कर लेते हैं। आपका परफ्यूमरी सॉल्वेंट और फ्रेग्रेंस ये दोनों ही चीजें मिक्स की हैं मैंने। अभी इसमें आइसोई सुपर, गैलेक्सोलाइट और हिडियन कुछ भी नहीं मिलाया है, क्योंकि ये चीजें ऑप्शनल है, ये मिलाना ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो मिला सकते हैं। हमने 15% के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया है नासिको रोड्रिगेस को। तो फ्रेग्रेंस आपका परफ्यूमरी सॉल्वेंट, परफ्यूमरी सॉल्वेंट जिसमें 4% डीएम वाटर था, 8% डाइक्लोप्रोपेन ग्लाइकॉल था, 0.1% बीएचटी था एंटीऑक्सीडेंट। तो वो मिला करके आपका ये परफ्यूमरी सॉल्वेंट तैयार हो गया। तो इसको और फ्रेग्रेंस को ये हम लोगों ने प्रॉपर 3-4 घंटे तक कम आरपीएम पे, कि जिससे उसमें हीट ना बढ़े, इसको ढक कर करके, और ज्यादा जितना ज्यादा करेंगे आप, चाहे तो 4-5 घंटे करना चाहे तो बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे करके हम लोगों ने इसको मिक्स किया है। उसके बाद इसको किसी इनर्ट कंटेनर में, प्रेफरेबली ग्लास या सेरेमिक, हो सके तो प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो। उसको हम लोगों ने मैच्योरिटी के लिए रखा, 8-7-8 दिन रखने के बाद में उसको निकाल करके, और ये आपका फ्रेग्रेंस स्प्रे परफ्यूम रेडी है। इसमें अगर कोई डाउट है आपको, अगर आप कुछ और पूछना चाहें
तो कृपया नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।